रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पकड़े गए आरोपियों में अमन उर्फ हिमांशु जायसवाल निवासी महादेवा टोला थाना गुड़ और दो बाल अपचारी बालक है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से घटना में लूटा गया मोबाइल, पर्स एवं रखा सामान 400 नकदी बरामद किया है। आरोपियों से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक चाकू भी बरामद किया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव उम्र 50 वर्ष निवासी शांति कुंज आजाद नगर उरहट के साथ लूट की घटना घटित हुई थी। पीड़ित मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर सरगुजा में पदस्थ है और घर लौटते समय रात करीब 2 बजे मैरिज गार्डन के पास 3 अज्ञात बदमाशों ने पर्स, एटीएम, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मोबाइल सहित लूट कर रफू चक्कर हो गए थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिनसे अन्य लूट चोरी की घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। थाना समान क्षेत्र में एक घटना रात को 2 बजे घटित हुई थी परसों। घटना के पश्चात से ही CSP रीवा के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई थी। उसके पश्चात इन्होंने साइबर सेल का भी सहयोग लिया और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया, जिसके चलते मात्र 2 दिन के अंदर ही तीनों आरोपीगण और लूटा गया पूरा सामान बरामद हुआ है। डॉक्टर साहब से जिनके साथ घटना हुई थी उनको भी जानकारी दी गई है, इस घटना की ट्रेस हो गई है और अभी हम लोग इन आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। इनमें चूँकि 2 लोग अभी अवयस्क हैं तो उनका नाम आपको नहीं दिया गया है और जो उनके जो एक वयस्क है उसका रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है। अन्य थाना क्षेत्रों में क्या है उसके बारे में रिकॉर्ड है।